अब हम डिफरेंट जो हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल हैं लेट्स लुक एट दो विच आर यूज इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट देर इज़ वन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट देर इज़ वन विच इज़ कॉल्ड फ्लो डायग्राम और फ्लो चार्ट प्रोसेस फ्लो डायग्राम इज बेसिकली अ डायग्राम इन विच मूवमेंट ऑफ मटीरियल प्रोडक्ट पीपल इंफॉर्मेशन ये इसको वो शो करता है उस डायग्राम के अंदर अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो कस्टमर है ठीक है कस्टमर आता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास अपना रिक्वायरमेंट उसको देता है एंड फ्रॉम देयर, द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा परचेजिंग वालों को कि इस ये कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से मटेरियल वगैरह परचेज़ कर लिया जाए और फिर कस्टमर जो है वो प्री प्रेस डिपार्टमेंट ये हम बात कर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस की और उसकी ये एग्जाम्पल है तो प्री प्रेस डिपार्टमेंट को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और इसके हिसाब से काम किया जाए वंस परचेज डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो वेंडर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि जी हमें ये मटेरियल रिक्वायर्ड है ये आप प्रोवाइड कर दें वेंडर वो मटेरियल प्रोवाइड करेगा उसकी रिसीविंग होगी और फिर उसको वेयर हाउस में डाल दिया जाएगा अच्छा इसके बाद वेयर हाउस से ये मटेरियल क्योंकि प्री प्रेस वालों को रिक्वायरमेंट मिल गई है इसकी कस्टमर uh, की रिक्वायरमेंट तो वो अपने मटीरियल की रिसीविंग की बात करेंगे और वो मटेरियल इनको सप्लाई किया जाएगा फ्रॉम वेयर हाउस टू प्री प्रेस डिपार्टमेंट एज वेल एज प्रिंटिंग डिपार्टमेंट प्री प्रेस वाले अपना काम कंप्लीट कर कर इसको प्रिंटिंग के पास भेज देंगे प्रिंटिंग प्रिंट print करेगी कोलेटिंग डिपार्टमेंट के पास भेज देगी कोलेटिंग डिपार्टमेंट से ग्लोइंग बैंडिंग टेपलिंग लेबलिंग डिपार्टमेंट के पास ये मटेरियल जाएगा फिर जो कि सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट और उधर से ये फिर पॉली रैप डिपार्टमेंट के पास जाएगा और पॉली रैप से ये शिपिंग के अंदर चला जाएगा और ये कस्टमर को शिप हो जाएगा और फिर शिपिंग डिपार्टमेंट से ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के पास जाएगी और इन अकाउंटिंग के पास कि जी ये ये इसका हुआ है ऑर्डर था और ये हमने कर दिया तो इंफॉर्मेशन विद द डॉक्यूमेंट्स उनके पास जाएंगे और अकाउंटिंग से ये सारा के सारी इंफॉर्मेशन और इन वगैरह पेमेंट के लिए ये कस्टमर के पास जाएगी सो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ द फ्लो डायाग्राम कि ये जो फ्लो चार्ट है ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ये अब इसको हम फर्दर अगर एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ देखें मोटरसाइकिल प्रोडक्शन के अंदर तो इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने फ्रेम ट्यूब बेंडिंग की ठीक है उसके बाद फ्रेम बिल्डिंग का काम हुआ फ्रेम मशीनिंग हुई उसके अंदर मशीनिंग होती है हॉट पेंट फ्रेम पर लगाया गया उसके बाद इट इज़ इंजन उसके साथ और ट्रांसमिशन को इसके साथ अटैच अट कर कर और डिफरेंट पार्ट्स आ रहे हैं उनको इसके साथ कंबाइन कर कर उन्होंने इसको आगे ऑयल टैंक वर्क सेल और ये डिफरेंट वर्क सेल्स के अंदर भेजा उधर से होते हुए ये टेस्टिंग के पास गया टेस्टिंग लेट्स से 28 डिफरेंट टेस्ट उस परफॉर्म किए गए एंड देन रोलर uh, टेस्टिंग के बाद उसको कंप्लीट कर, कर उसको क्रेट में डाला गया और क्रेट को शिप कर दिया गया टू द कस्टमर